हेलो दोस्तों, मैं नकुल कुमार, आपके अपने परिवार एबीएन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए आज आपके लिए हेलो एल्केन हेलो एरिन्स चैप्टर का लेक्चर 4 लेके आए हुए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस लेक्चर में आपको हेलो एल्केन बनाने की विधि बताया जाएगा। चलिए इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हेलो एल्केन बनाने की विधि, हेलो एल्केन कैसे बनाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हेलो एल्केन बनाने के लिए ठीक है, हेलो एल्केन एल्केन बनाने बनाने के सामान्य विधि सामान्य विधि। अब हेलो एल्केन बनाने के सामान्य विधि ध्यान दीजिएगा, हेलो एल्केन बनाने के सामान्य विधि। देखिए हेलो एल्केन के बनाने के सामान्य विधि क्या होता है कि अब अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना बहुत सारा टॉप में एक पॉइंट्स है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं, हेलो एल्केन बना सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है कि अल्कोहल से, एक नंबर है अल्कोहल से। देखिए एक नंबर में अल्कोहल से तो एल्कोहल से में, अब एल्कोहल से क्या बनाना, हेलो एल्केन बनाना। तो एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के लिए आपको एल्कोहल पर, देखिए हाइलोजन माने कि हाइलोजन हाइड्राइड फैमिली को क्या करना होगा, अब क्रिया द्वारा भी बनाया जा सकता। तो एक नंबर है कि एल्कोहल पर क्या करना है, HX की अभिक्रिया द्वारा। एक नंबर है कि एल्कोहल पर एल्कोहल पर HX यानी हैलोजन हाइड्राइड, ठीक है, हैलोजन हाइड्राइड की अभिक्रिया द्वारा। अब देखिए अभिक्रिया द्वारा इसमें यानी एल्कोहल को हम क्या करेंगे, HX की अभिक्रिया कराएंगे। चलिए अब बता रहे थे आपको कि हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधि, हेलो एल्केन बनाने के सामान्य विधि एल्कोहल से। अब क्या होगा हेलो एल्केन बनाने के लिए, अब क्या प्रथम क्या है, अल्कोहल से बनाएंगे हेलो एल्केन, अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाएंगे। तो अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के लिए देखिए अल्कोहल पर यानी अल्कोहल से HX की अभिक्रिया कराएंगे यानी हैलोजन हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। देखिए इसमें अब बता रहे हैं कि हैलोजन, देखिए एक एग्जाम लिखा एक नंबर में जब बताते हैं कि हैलोजन HX की अभिक्रिया, ठीक है, कराने पर यह एक नंबर है, एक में ये बताया कि 1। अब इसका ये है एक नंबर कि अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में ZnCl2 की उपस्थिति में किसी अल्कोहल में प्रवाहित करने पर किसी
अल्कोहल। किसी अल्कोहल में प्रवाहित, किसी अल्कोहल में प्रवाहित करने पर, एल्किल क्लोराइड का प्राप्त होता है। प्रवाहित करने पर क्या बनता है? एल्किल क्लोराइड बनता है। एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। जैसे हम आपको बताते हैं, एक पहले देखिए आर ओ एच अल्कोहल है। अल्कोहल को हम क्या किए, एच सी एल के साथ अभिक्रिया करा दिए। एच सी एल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बनेगा, आपका बन गया आर सी एल प्लस एच टू ओ। यानी इसमें अल्काइल क्लोराइड तो बनेगा ही, उसके साथ जल का भी निष्कासन होगा। चलिए अब इसमें बता रहे हैं, एक और एग्जांपल लेके, जैसे सी एच थ्री ओ एच, इसको हम क्या किए सी एल टू के साथ एच सी एल के साथ अभिक्रिया करा दिए एच सी एल के साथ। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से सी एच थ्री सी एल प्लस एच टू ओ प्राप्त होगा। ये प्राप्त कैसे हुआ, चलिए हम आपको बताते कैसे प्राप्त हुआ। चलिए आप इसको नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए। अब दूसरा है आपका कि एच बी आर के साथ, यानी हैलोजन को, अल्कोहल को और एच बी आर के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वो भी क्या होगा, हेलो अल्केन का निर्माण करेगा, यानी हेलो अल्केन का निर्माण करेगा। चलिए अब इसमें देखिए क्या होता है, बी नंबर में एच बी आर यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड को H2SO4 की थोड़ी मात्रा की उपस्थिति में सांद्र H2SO4 की थोड़ी मात्रा की उपस्थिति में एल्कोहल के साथ साथ उबालने पर या गर्म करने पर, उबालने पर एल्किल हैलाइड लाइड प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। अब जब हम क्या करते हैं कि एच बी आर को सांद H2SO4 के उपस्थिति में उबालते हैं तब हमें एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। एल्किल ब्रोमाइड बोलते हैं, यहाँ बी आर है ना, यहाँ पर ब्रोमाइड बोल देते हैं, ब्रोमाइड प्राप्त होता है। अब ब्रोमाइड प्राप्त होता है, देखिए एक एग्जांपल, जैसे सी एच थ्री ओ एच प्लस एच बी आर है तो यहाँ से अल्कोहल और हाइड्रोजन में निकल जाएगा तो बनेगा क्या, एच बी आर इसके साथ जुड़ जाएगा, एच बी आर इसके साथ हो गया,
CH3Br और प्लस HBr ये प्राप्त होता है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको जो एग्जांपल है कि सूत्र ये क्या है, एक एग्जांपल दे दे, ठीक है। अब देखिए यह सब हेलो अल्कोहल के लिए लागू हो सकता है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल। अब देखिए हेक्साइल अल्कोहल हो गया, ये सब मैंने सब के लिए लागू होगा, ठीक है। चलिए आप इसको उतारना चाहते हो उतार लीजिए, ठीक है, चलो उतार लीजिए, इसकी शॉर्ट ले लेते हैं, इसकी शॉर्ट ले लीजिए, चलिए ठीक है। अब मिटाते हैं इसको, अब आते हैं सी नंबर। अब सी में होगा क्या, देखिएगा कि हैलोजन आयोडाइड को या हैलोजन जो जो एच आई क्या है सी नंबर में एच आई को अल्कोहल के साथ, अल्कोहल के साथ अल्कोहल अल्कोहल के साथ अल्कोहल के साथ रिफ्लक्सिंग कराने पर, रिफ्लक्सिंग कराने पर अल्काइल आयोडाइड प्राप्त होता है, अल्काइल आयोडाइड प्राप्त होता है। आयोडाइड प्राप्त होता है, अल्काइल आयोडाइड प्राप्त होता है। चलिए बताते हैं कैसे अल्काइल आयोडाइड प्राप्त होगा। C2H5OH प्लस HI। अब यहाँ से H और OH बाहर निकल जाएगा और क्या हो जाएगा C2H5I अल्काइल आयोडाइड, इसका अब उसके बाद हो जाएगा H2O। अब इसका नाम हो जाएगा इथाइल आयोडाइड, इसका नाम हो जाएगा या आइडो इथेन हो जाएगा, आइडो इथेन, इथेन या इथाइल आयोडाइड डाइड। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसको मिटाते हैं, अब आते हैं हम अगला टॉपिक, एल्कोहल की फास्फोरस के साथ हैलाइड की अभिक्रिया से, यानी अल्कोहल की अल्कोहल को फास्फोरस से हैलाइड की क्रिया से, माने अल्कोहल को किससे अभिक्रिया कराएंगे, फास्फोरस के साथ, अल्कोहल को फास्फोरस के साथ अभिक्रिया कराएंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, अब दो नंबर आते हैं। अब दो नंबर में होगा क्या, अल्कोहल अल्कोहल की अल्कोहल को फास्फोरस हैलाइड की क्रिया से, अल्कोहल को पीसीएल थ्री या पीसीएल फाइव से अभिक्रिया कराने पर, अभिक्रिया कराने पर कराने पर। चलिए अब देखिए अल्कोहल को किसके साथ अभिक्रिया कराना है, पीसीएल थ्री से और पीसीएल फाइव से। एक नंबर आते हैं पीसीएल थ्री के लिए, चलिए ऑप्शन ए में पीसीएल थ्री को, चलिए पीसीएल थ्री को
CH3OH+PCl3। अब PCl3 से अभिक्रिया कराएंगे किसी भी अल्कोहल को, तो इसमें मात्रा क्या होता है कि हमको क्या करना होगा कि अल्कोहल की 3 मोल्स लेना होगा, यानी कोई भी अल्कोहल होगा उसको 3 मात्रा लेना पड़ेगा, अल्कोहल को 3 मात्रा ही लेना पड़ेगा ताकि आपका अल्कोहल और PCl जो 3 है उसके साथ कॉम्बिनेशन बन सके। चलिए हम बताते हैं इसको कि यहाँ से इसकी मात्रा 3 लेंगे तब ये क्या होगा कि आपका देखिए बनेगा क्या, 3CH3 और यहाँ पर Cl बन जाएगा और ये हो गया मिथाइल क्लोराइड बन गया। अब उसके बाद यहाँ से बाहर जो निकलेगा वो आपका बाहर निकलेगा H3PO3। क्या बाहर निकलेगा? H3PO3 बाहर निकलेगा क्योंकि यहाँ की ऑक्सीजन की मात्रा क्या अधिक है। चलिए इस तरह और भी आप बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा का आते हैं, इसमें ए नंबर हो गया, किसके लिए था? PCl3 से ए नंबर हो गया, ये किसके लिए था? PCl3 से। अब आते हैं बी नंबर में, PCl5 से। अब PCl5 को क्या करेंगे, PCl5 को हम अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, अल्काइल क्लोराइड प्राप्त होगा। अल्काइल क्लोराइड क्या प्राप्त होगा, चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर PCl हो गया, PCl5 को जब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर CH3 और यहाँ पर हो गया OH। चलिए इसको किसके साथ अभिक्रिया करना, PCl5 के साथ अभिक्रिया करना, तो PCl5 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनेगा क्या, CH3Cl+ आपका यहाँ से बन जाएगा PO3 प्राप्त होगा। क्या होगा, PCl5 से अभिक्रिया कराएंगे तो हम PO Cl3 प्राप्त होगा, PO Cl3+ आपका प्राप्त हो जाएगा HCl। क्या प्राप्त होगा, HCl प्राप्त होगा। थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा लेकिन एक बार हम बोल देते हैं, ठीक है, और बोल देते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा कि जब हम PCl5 को क्या करते हैं, PCl5 को अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, PCl5 को अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराने से क्या होगा कि यह अल्काइल क्लोराइड या क्लोरो एल्केन का प्राप्त करेगा, उसके बाद उसके साथ में क्या करेगा, POCl3 प्राप्त करेगा और उसके बाद HCl, या तीनों का निर्माण होगा। चलिए एक ट्रिक इसको बताते हैं, बनाने का ट्रिक कैसे बनाया जाता है। चलिए यहाँ ट्रिक क्या है कि देखिए कोई भी अल्कोहल ग्रुप है उसको हम क्या किए, इस तरह लिख दिए इसके, और इसको इसके नीचे पी लिख दिया, इधर Cl लिख दिया और इधर Cl लिख दिया, बीच में 3 को Cl कर देंगे और 1 और Cl कर देंगे, इसको ऐसे काट देंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, CH3Cl+PO Cl3+HCl प्राप्त होता है। देखिए यह बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए थैंक यू, बेस्ट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब देखिए, और मेरे वीडियो को और आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर करें। चलिए बेस्ट ऑफ लक आपकी।